शक्ति ठोकरे गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती, हार भी हरा नहीं सकती। गुड मॉर्निंग डेवियंस, इट्स मी आकांक्षा एंड आई श्रुति रिप्रेजेंटिंग साम हाउस। वी आर स्टैंडिंग हियर टू डिलीवर अ स्पीच ऑन द टॉपिक ड्रीम्स वोंट वर्क अनलेस यू डू। Dreams are a beautiful imagination that one takes to escape from the ruthless reality. People incline to dreams and live a fictional life. It prepares a person to set goals and achieve them. Dr. Kalam ने कहा था कि सपने वो नहीं होते जो हम सोते समय देखते हैं, बल्कि सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने ना दे। सोते समय देखे जाने वाले सपने को तो कई बार हम भूल भी जाते हैं, पर जो सपने हम अपनी खुली आंखों से देखते हैं वो ना ही केवल हमें याद रहते हैं बल्कि वो हमें सोने भी नहीं देते। अक्सर देखा गया है कि जो लोग बड़े बड़े सपने देखते हैं वो हजार प्रयास करते हैं कि वो उसे पूरा करें, लेकिन अगर किसी कारण से वे उसमें असफल हो जाए तो वह निराश हो जाते हैं और उन्हें अपना सपना टूटता हुआ नजर आने लगता है। मोस्ट पीपल ब्लेम दैट देयर लाइफ इज नॉट ग्रेट इनफ एंड इंटरेस्टिंग इनफ टू। Everyone thinks that they want to achieve something big, but they have never dedicated their time to think that what it can be for them. दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने हार पाने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी और अपना सपना पूरा किया। थॉमस एडिसन ने एक बार बताया था कि स्कूल में वो जो भी सीखते हैं उसमें वह नाकाम साबित होते। उन्हें उनकी पहली दो नौकरियों से भी निकाल दिया गया था। इतनी नाकामियों के बाद भी उन्होंने वो कर दिखाया जिसके बाद दुनिया ने उनका लोहा माना। उन्होंने कहा कि मैं हारा नहीं, बल्कि मैंने ऐसे हजार रास्ते खोज निकाले जिससे सफलता नहीं मिल सकती। Once upon a time there was a man who wanted to win a lottery and he wanted it very badly. Every day he was praying to God, "Dear God, please help me to win the lottery." The days passed and nothing happened. One day he was praying extra hard and God appeared in front of him and said, "I'll help you to win the lottery, but can you at least buy a lottery ticket first?" Moral of the story is, good things will come to you, but you need to help them too. One has to understand that greatness cannot be achieved without failure, as dreams cannot be turned into reality without encountering a dozens of failure on the way. वृद्ध कवि ने कहा था कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निसा। इस दोहे का अर्थ यह है कि निरंतर अभ्यास करने से एक अकुशल व्यक्ति भी कुशल बन सकता है, बस इसके लिए उसे निरंतर परिश्रम करना होगा। इसे समझाने के लिए उन्होंने कुएं की उस रस्सी का उदाहरण लिया है जिसे बाल्टी पे बांध के हम पानी निकालते हैं। बार बार पानी निकालने के कारण वह रस्सी उस पत्थर से बने कुएं पे भी निशान डाल देती है। इससे हम यही समझते हैं कि निरंतर अभ्यास करने से या किसी भी काम को बार बार करने से एक अयोग से अयोग या मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी कुशल बन सकता है। इसलिए व्यक्ति को कभी भी अभ्यास करना नहीं छोड़ना चाहिए। अपने सपने को पूरा करते समय रास्ते में बाधाएं आना तो लाजमी है। याद रखें कि सपना जितना बड़ा होता है उसे पूरा करना उतना ही मुश्किल होता है, लेकिन मुश्किलों का मतलब असंभव नहीं। मुश्किलों का मतलब केवल यह है कि उसके लिए आपको कठिन मेहनत करनी होगी, क्योंकि मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह। लिफ्ट तो कभी भी बंद हो सकती है, लेकिन सीढ़ियां आपको हमेशा ऊंचाई की तरफ ही ले जाती हैं। Finally, in the end, I will say that a person without dream is just similar to a bird without wings. The days will come when we will overcome all the obstacles, but it calls for a lot of sweat as well as blood. So never fear to dream, as the road to success is never easy to navigate. It needs a lot of hard work, drive, passion to achieve all the American dreams. अंत में हम अपनी वाणी को कुछ पंक्तियों के साथ विराम करना चाहेंगे कि मुट्ठी में कुछ सपने लेकर पर तो जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझमें दीपक सा चलता देखोगे, अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में मिलकर मैंने मृत्यु से जीवन सीखा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। थैंक यू। Wow, wow, so mind blowing, public speaking. ये अच्छे अच्छे बड़े बड़े नेता भी हार जाएंगे मेरे बच्चों के सामने। ऐसे melodious, so bold voice, so clarity and the
अ वेरी जो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन है रियली इट इज दे हैव कलेक्टेड दे हैव गैदर्ड द फैक्ट्स एंड फिगर्स विथ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड नहीं लगता था कि एक विसंगतियां है दोनों के बोलने में सो नाइस द आई कंग्रेचुलेट द हाउस मास्टर एंड द हाउस ट्यूटर जो ऐसे बच्चों को चुन कर लाते हैं इस मंच पर और ये लोग और हजार हजार बच्चों के लिए एक रोल मॉडल बनते हैं ऐसे ऐसे बड़े बड़े भी स्पीकर कि मेरे बच्चों के सामने हार जाएंगे सो कंग्रेचुलेशन टू आकांक्षा एंड श्रुति ऑफ 11AB एंड आकांक्षा ऑफ 10A गिव ए वंस अगेन ए बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू दिस टू डायनामाइट्स ऑफ दिस विद्यालय थैंक यू बेटा गॉड ब्लेस यू